हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस के एग्जांपल के बारे में। दोस्तों यहां पर हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जांपल के अंदर सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट्स दिए हुए ए बी सी और उसी का मैट्रिक रिलेशन दे दिया गया है हमें इन द फॉर्म ऑफ मैट्राइसिस। उसी के बेस से हमें बात करनी है डिटरमाइन द वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले मैट्राइसिस से हमें रिलेशन ऑफ ए बनाना होगा, मतलब कि यहां पर ए बी सी, ए बी और सी, ये मैंने यहां पर इंडिकेट दे दिया है। वहां पर हम सबको पता है कि इफ दी मैट्राइज इज एवर रिजल्ट वन दैट मीन्स दी रिलेशन इज एग्जिस्ट, इफ इट इज जीरो देन रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ए ए बाद में कोई नहीं है, देन बी 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 सी, देन सी बी एंड सी सी। तो दोस्तों यहां पर रिलेशंस के मैंने सभी ब्रैकेट्स आपको शो कर दिए हैं। अब यहां पर हम सबको बताए कि इन इक्विवेलेंस रिलेशन देयर इज द थ्री प्रॉपर्टीज टू सेटिस्फाई। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज अ सिमेट्रिक एंड थर्ड इज अ ट्रांजिस्टिव। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब कि ए ए बी बी एंड सी सी, मतलब कि ये देखो दोस्तों आपको बताया गया है कि आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिंस ए ए बी बी सी सी एंड ऑल दी आर बिलोंग्स टू आर। देन You have a BC and CB. ये देखिए BC and CB. Since R is a symmetric, then BC belongs to R and CB belongs to R. Now R is a transitive. Since BB and BC, then it is BC. तो BC है, yes. BC and CB belongs to BB. तो BB है, yes. Now B CC CB, then it is CB. CB है, yes. CB and BB, then it is CB belongs to R. CB BB, then also CB belongs to R. CB BC, then it is CC belongs to R. BC CC belongs to R, then BC also belongs to R. मतलब कि यहां पर आप लोगों को ट्रांजिस्टिव के बारे में सोचने के लिए यहां पर एक लॉजिक लगाना होगा कि आपको दो दो रिलेशंस पकड़ने होंगे और वो दो रिलेशंस जैसे कि मैंने पकड़ा है कि बी 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 सी, बी 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 सी, देन बी सी सी बी, देन सी बी सी सी, देन सी सी बी बी, देन सी बी बी सी, सी बी सी सी। तो इसी सभी के जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो सभी यहाँ के ब्रैकेट्स में एग्जिस्ट है एंड हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब कि आपके जो जो वन वन हो रहे हैं वो वन वन रिजल्ट के साथ आप उसके कनेक्टिविटी रिजल्ट्स को सर्च कीजिए और वो कनेक्टिव रिजल्ट्स आपके ब्रैकेट्स में एग्जिस्ट हो रहे हैं, दैट मीन इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी ट्रांजिस्टिव रिलेशन। एंड दिस थ्री बोथ आर द थ्री ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी से दैट द गिवन एग्जांपल और द सेट इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। Let A as a A B C D as a set, R as a A A B B B B A C C D D and D C. Determine whether R is an equivalence relation. मतलब कि अगर यहां पर हमें ढूंढना है तो पहले reflexive, symmetric और transitive की बातें याद कर लेनी होगी। Reflexive means A A B B C C D D, मतलब कि चारों के चारों present तो है, मतलब ये reflexive हो गया। But अब हम बी ए की बात कर रहे हैं तो ए बी कहीं पे नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों यहां पर रिफ्लेक्सिव हो गया बट इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ बी ए बिलोंग्स टू आर बट ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कि बी ए है ए बी नहीं है, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिस्टिव की बात कर लेते हैं। अब तक हमको यही सिखाया गया कि कोई भी एक कंडीशन फेल होती है देन यू डायरेक्टली सेज दैट इट इज नॉट सेटिस्फाइड, बट अब यहां पर इन लोगों ने तीनों कंडीशंस को चेक करने के लिए बोला ही है। सो आर इज अ ट्रांजिस्टिव मीन्स बी ए ए बी, सॉरी बी ए ए ए, सो बी ए से ए ए, बी ए बिलोंग्स टू आर है, बी 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 ए, सो बी ए ऑल्सो अगेन बिलोंग्स टू आर, डी सी सी सी, सो सी डी सी बिलोंग्स टू आर है, डी 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 सी, इट इज डी सी विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज अ ट्रांजिस्टिव, आर इज अ रिफ्लेक्सिव, बट आर इज नॉट अ सिमेट्रिक, दैट्स वाई इट इज नॉट
इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे हमें तीनों के तीनों चेक करने हैं, भले कोई भी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, देन यू राइट डाउन इन द लास्ट एंड बॉटम ऑफ द एग्जांपल, इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अब दोस्तों एग्जांपल नंबर थ्री की बात करते हैं, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन ऑफ आर हुज डायग्राफ इज गिवन बिलो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि यहाँ पर डायग्राफ दिया हुआ है, उसी डायग्राफ से हमें बताना है कि इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। सो 1, 2, 3 देर आर दियर थ्री एलिमेंट्स, द रिलेशन इज 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3। देखिए दोस्तों 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों के तीनों एक खुद के साथ लूप बना रहे हैं, देन 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1। आर इज अ रिफ्लेक्सिव सिंस देर इज अ लूप अप्रोच each vertex, so 1, 1, 2, 2, 3, 3 which is belongs to R, but R is not a symmetric because of 1, 2 is exist but 2, 1 is not exist, 2, 3 is exist but 3, 2 is not exist, 3, 1 is exist but 1, 3 is not exist, मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट हो और दूसरा नहीं हो रहा है तो मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। R is not transitive, why this is not transitive, because 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1 but it is not a 2, 1, क्यों, क्योंकि यहां पे ये 2, 1 रिलेशन नहीं दिखाया गया है दोस्तों, ये 1 से 2 है, नॉट अ 2 से 1। आपको देखने में एरोज याद करने होंगे, एरो का मीनिंग होता है कि जिस ओर एरो जा रहा है वो सेकेंड एलिमेंट है और जिस ओर से निकल रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब कि 2, 3, 3, 1 दैट इज अ 2, 1। 2, 1 मीनिंग होता है कि 2 से निकलेगा और 1 पे जाएगा, बट ये तो 1 से निकल के 2 पे जा रहा है, मतलब कि ये 1, 2 है। सो 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट अ ट्रांजिस्टिव, मतलब यहाँ पे ओनली रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाइड हो रहा है, ये ना तो सिमेट्रिक है ना तो ट्रांजिस्टिव है, एंड हेंस R इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा। नाउ अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको रिलेशंस भी नए नए दिए होंगे और उसी के बेस से आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव के बारे में बात करनी है। सो एग्जाम्पल नंबर 4, आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोस्तों ये गौर करने जैसी बात है कि ये रियल नंबर्स है, सच दैट ए इज रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब कि कोई रियल नंबर्स का, हम दो रियल नंबर्स का डिफरेंस ले रहे हैं और वो इंटीजर मिल रहा है तभी ये रिलेशन एग्जिस्ट होगा, प्रूव दैट इट इज दियर इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि पहले हम रिलेशन ऑफ सेट बना देते हैं कि ए बी एक हमारा सेट होगा जिसका ए माइनस बी हम करेंगे और वो हमें इंटीजर मिलेगा। रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑलवेज वी नो दैट बोथ आर दी नंबर्स इन द सेम पोजिशन, मतलब कि a माइनस बी नहीं होगा, यहाँ पे a माइनस ए होगा और a माइनस ए क्या होगा, 0, इट इज ऑल्सो इंटीजर एंड दिस इज दियर रियल नंबर्स, सो द गिवन r इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, r इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, a माइनस बी इज अ c, यहां पर हमें कोई नंबर नहीं पता है इसलिए हम आंसर c एज्यूम कर रहे हैं, c इज एन इंटीजर, ऑल्सो b माइनस ए इज अ माइनस c एंड माइनस c इज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर दी नंबर्स एग्जिस्ट, जो आपको मैडम ने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था। सो ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, मतलब कि ए माइनस बी भी हमें इंटीजर मिल रहा है और बी माइनस ए भी हमें इंटीजर मिल रहा है, दैट्स वाई दिस नंबर इज सेज दैट एज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके अब बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टिव रिलेशन की, ए रिलेशन बी विच इज ट्रांजिस्टिव, सो ए माइनस बी इंटीजर वैल्यू, b रिलेशन c b माइनस सी विच इज ऑल्सो इंटीजर वैल्यू, सो a माइनस सी इज ऑल्सो अ इंटीजर वैल्यू, हेंस द a रिलेशन c, मतलब कि a रिलेशन b, b रिलेशन c, देन a रिलेशन c, सो r इज ऑल्सो अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन एंड r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कि डिफरेंस ऑफ a माइनस b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए ये एग्जांपल समझना बहुत ही आसान हो चुका है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेट्स दिए हैं वो बहुत ही फेमिलियर है। ओके दोस्तों तो एग्जांपल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 5 के अंदर ये दिखाया गया है कि लेट
r be a relation on the set of the order pairs which is a positive integers. देखिए दोस्तों, it is a positive integers. इन आगे हमें बताया गया था खाली इंटीजर्स. अब यहाँ पे इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. सच दैट ए बी एंड सी डी विच इज बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब कि आपको यहाँ पे ये रिलेशन का यूज करना है, ए बी सी डी दीज आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स तभी आपके साथ रिलेट करेंगे जब इसका ए डी और उसका बी सी बोथ आर सेम होगा. तो दोस्तों यहां पर ए बी रिलेशन, ए बी ये हमारा ए बी रिलेशन ए बी है. यहां पर हम सबको पता है कि रिफ्लेक्सिव के अंदर सभी कोऑर्डिनेट सेम लेने होते हैं. सो हमें ए बी सी डी का यूज नहीं करना है, ओनली ए बी का यूज करना है. सो ए बी रिलेशन बी ए बी, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, हेंस ए बी रिलेशन बी ए, दिस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. इफ ए बी रिलेशन सी डी देन ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो हमें दिया हुआ है. नाउ चेक दैट सी डी रिलेशन ए बी, मतलब कि हम सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं कि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, मतलब कि ए रिलेशन बी तो हमें दिया हुआ था. नाउ वी चेक बी रिलेशन ए विच इज सी डी रिलेशन ए बी. सो सी डी रिलेशन ए बी इज सी बी इज इक्वल टू ए डी, मतलब कि बाय द इक्वेशन नंबर वन एंड टू both are similar, then we say that the given relation is symmetric. अब दोस्तों बात करनी है transitive. तो transitive के अंदर हमें पता है कि a relation to b, b relation to c, then a relation to c, मतलब कि ab relation to cd, cd relation to ef, मतलब कि ab relation to cd, तो ये हो जाएगा ad equal to bc जो हमें दिया हुआ है. नाउ सी डी रिलेशन टू ई एफ, जो इसके हिसाब से बनेगा सी एफ इज इक्वल टू डी ई. अब यहां पर इसको रिलेट करने के लिए ए डी इक्वल टू बी सी में हम ए को सब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें ए हो जाएगा बी सी बाई डी, और सी एफ के अंदर से हम एफ को बनाएंगे सब्जेक्ट, जो हो जाएगा डी ई बाई सी. तो दोस्तों ये नंबर हो गया फाइव एंड नंबर सिक्स. तो a इज इक्वल टू बी सी बाई डी एंड f इज इक्वल टू डी. सो a इंटू एफ का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a इंटू एफ इज इक्वल टू बी सी बाई डी इंटू डी बाई सी, जिसमें d कैंसिल हो जाएंगे, c c कैंसिल हो जाएगा. तो a f इज इक्वल टू क्या बचेगा, b e. तो a f इज b e, दैट मीन्स a b इज रिलेशन विद द e f एंड विच शोज दैट कि ए बी रिलेशन विद द बी सी डी एंड सी डी इज रिलेशन विद द ई एफ, इट इज ए बी रिलेशन ई एफ विच इज ट्रांजिस्टिव, मतलब कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. दोस्तों ट्रांजिस्टिव के लिए हमने ए बी से सी डी और सी डी से ई एफ किया, फिर उन दोनों को ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड सी एफ इज इक्वल टू डी के साथ कंपेयर किया, और फिर ए इंटू एफ दोनों को सब्जेक्ट्स को मल्टीप्लाई करके हमने ए एफ इज इक्वल टू बी को प्रूव किया, विच इज अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन. अब दोस्तों यहां पर आपके पास एग्जाम्पल नंबर सिक्स है, विच इज शोज दैट कि लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड पी इज द रिलेशन विच इज 1, 2, 3 एंड 4, 5. फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन डिटरमाइंड बाय पी एंड ड्रॉ इट्स डायग्राफ. मतलब कि यहां पर हमें इसके इक्विवेलेंस रिलेशंस को ढूंढना है दोस्तों. तो इसके इक्विवेलेंस रिलेशंस को हम कैसे ढूंढेंगे. सो 1, 1, 1, 2, अब 2, 1, 2, 2. देखिए दोस्तों मैं लिखते जा रहा हूं, यहां पर ये 1 था, फिर इसके साथ कनेक्ट किया, फिर इसको इसके साथ कनेक्ट किया. अब 3, 3, 4, 4, 4, 5 एंड 5, 5 एंड 5, 4. मतलब कि ये रिलेशन हमने कनेक्ट किए हैं विद द रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस. मतलब कि ये 1, 2 को 1, 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, फिर 4, 5 को 4, 5 के साथ, मतलब कि ये पार्टीशन के साथ इसको हमने कनेक्ट किया है. और फिर इसका हम डायग्राफ ड्रॉ करेंगे. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2, ये हो गया. इट इज 3, 3,
4, 4, 5, 5, 4, 5 and 5, 4। मतलब कि ये इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए आप लोगों ने जो पार्टीशंस बनाए, ये सेट 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ था। अब ये P है, अब इसी P को P क्रॉस P से बनाना है। मैंने यहां पे इसीलिए दिखाया क्योंकि ये देखो, ये दो है, फिर ये सिंगल वन, और ये फिर P, यानी कि P क्रॉस P। यहां पे भी 1, 2, 3, 4, 5 ये बनेंगे, 1, 2, 1, 2 के साथ बनेंगे इस तरह से, फिर 3, 3 के साथ बनेगा, 4, 4, 5, 4, 5 के साथ बनेगा। ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। P क्रॉस P करके हमें रिलेशंस बनाना था, और रिलेशंस बना के बाद हमने उसका डायग्राफ किया है। सो नाउ नेक्स्ट फॉर द एग्जांपल नंबर 7। सो दोस्तों, एग्जांपल नंबर 7 शोज दैट अ सेट S हैव अ एलिमेंट्स व्हिच इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। डिटरमाइन द वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टीशन ऑफ S। मतलब कि ये हमारे S के पार्टीशंस है कि नहीं वो आपको दिखाना है। ओके दोस्तों, तो ये पार्टीशन दिखाने के लिए आपको सबसे पहले ऑलवेज दो कंडीशंस याद रखनी होगी कि अगर आपके जो सेट दिए हुए हैं उसका यूनियन वो सेट खुद होना चाहिए, और उसका इंटरसेक्शन वहां पे एम्प्टी होना चाहिए। मतलब कि ए और बी का यूनियन खुद सेट होगा और उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा। मतलब कि पी जो है वो है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है 1, 4, 5, 6, ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। नाउ टू कंडीशंस ऑफ पार्टीशन ऑफ द सेट, रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फ्रॉम द सेट चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 1 के अंदर आपको मैडम ने पढ़ाया होगा कि अगर पार्टीशंस के अंदर उसके हम रिलेशंस के बारे में चेक करेंगे तो तभी उसके रिलेशंस के एग्जिस्टेंस हमें तभी पता चलेंगे कि पार्टीशंस कैसे होते हैं। अगर यूनियन उसका खुद सेट बन जाता है और इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाता है, दैट इट इज अ पार्टीशन। तो ये यूनियन करने जाएंगे तो 1, 2, 3, 1 तो आ गया है, तो 4, 5, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एस खुद हो जाएगा, और उसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 1, तो मतलब कि ये एम्प्टी नहीं हुआ। मतलब कि दिस इज नॉट अ पार्टीशन ऑफ एस, सिंस 1 इज बिलोंग्स टू टू सेल्स। नाउ P2 विच इज 1, 2, 3, 5, 6, तो 1, 2, 3, 5, 6 का यूनियन एस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 4 नहीं है। हाँ, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बट यूनियन सेट एस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, यहां पर हमने दो ये सेट देखे जिसके अंदर यूनियन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, या तो किसी में इंटरसेक्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब एग्जांपल नंबर 3 के अंदर देखते हैं, विच इज 1, 3, 5, 2, 4 एंड 6। सो P3 हैव यूनियन ऑफ 1, 3, 5 यूनियन ऑफ विद 2, 4 एंड 6, दिस यूनियन इज एस, इट्स इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, क्योंकि ये सभी तीनों सेट्स के कोई कॉमन नहीं है। अब ये तीनों सेट्स का यूनियन कर रहे हैं तो सेट एस हो रहा है, मतलब कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, एंड दैट्स मीन P3 इज द पार्टीशन ऑफ, P3 इज अ पार्टीशन ऑफ सेट एस, दिस पार्टीशन विल गिव इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ सेट एस। मतलब कि पार्टीशन ऑफ एस हो रहा है तो आपका S जो है, सेट S जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, और वो कंडीशन ओनली सेटिस्फाइड इन P3। सो दोस्तों, कई बार पार्टीशंस के थ्रू भी हम इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कर सकते हैं, उसका ये बेस्ट एग्जांपल था। अब नाउ एग्जांपल नंबर 8, इसके अंदर हमने मैक्सिमम एग्जांपल इसी वजह से लिए है क्योंकि ये शायद एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसी वजह से इसके हमने मैक्सिमम एग्जांपल्स कवर किए हैं। सो लेट ए एज अ सेट 1, 2, 3, 4 एंड द सेट रिलेशन विच 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3 और 4, 4। सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड डिटरमाइन द इक्विवेलेंस क्लासेस एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ R। मतलब कि यहां पे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो चेक करना है, देन आफ्टर उसके इक्विवेलेंस क्लासेस दिखाने हैं, एंड देन आफ्टर फाइंड आउट इट्स रैंक। तो दोस्तों, इक्विवेलेंस क्लासेस के इक्विवेलेंस रिलेशंस के लिए हम सबको पता है कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव होना चाहिए। तो इसके अंदर 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, मतलब कि रिफ्लेक्सिव होने के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग्स है। आर इज ए सिमेट्रिक, मतलब कि 1, 2 है तो 2, 1 भी है,
वन थ्री है तो 3 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, और 3 3 4 4 दीज आर ऑल दी सिमेट्रिक। मतलब कि सिमिलरली ये सभी एलिमेंट सिमेट्रिक के अवेलेबल है, सो दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं तो 2 3 3 2 तो इसका बनेगा 2 2, 1 3 3 1 तो इसका बनेगा 1 1, 1 2 एंड 2 1 तो इसका बनेगा 1 1। मतलब कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिस्टिव एग्जिस्ट है, सो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। सो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन, तो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन इज 1 2 3। अब इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ टू, इट इज ऑल्सो 1 2 3 एंड दिस क्लासेस इज 1। यहां पर ये ऑल्सो क्लासेस ऑफ 1 होगा, क्यों? क्योंकि क्लासेस ऑफ टू के जितने भी एलिमेंट्स है सेम टू सेम क्लासेस ऑफ वन के एलिमेंट है। इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ थ्री विच इज ए 3 1 ऑफ टू, मतलब ये भी सेम इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन हो जाएगा। मतलब और एक क्लासेस ऑफ फोर विच इज ओनली अ 4। दोस्तों ये आपको लग रहा होगा कि सर आपने 1 2 3 1 2 3 3 1 2 ये कैसे लिख दिया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 2 एंड 3, 2 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 1 एंड 3, एंड 3 इज ऑल्सो रिलेटेड विद 1 एंड 2। मतलब कि रिलेशन ऑफ द क्लासेस ऑफ 1 इज ऑल्सो 1 2 3, 2 इज ऑल्सो 1 2 3, एंड 3 इज ऑल्सो 3 1 2। मतलब कि 3 1 और 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 1 इज 1 और 1 इज 2 एंड 3 के साथ कनेक्टेड है, एंड 2 इज 1 एंड 3 के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्लासेस। एंड 4 इज अ सिंगलटन विच इज ओनली कनेक्टेड विथ इट सेल्फ, सो दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगलटन एलिमेंट 4। हेंस देर आर टू डिस्टेंट इक्विवेलेंस क्लासेस विच इज 1 2 3 एंड द सेकेंड वन इज 4, सो दैट द रैंक ऑफ आर इज 2। मैंने दोस्तों उसी वक्त पे बताया था कि अगर आपके इक्विवेलेंस क्लासेस फाइनाइट है तो रैंक भी फाइनाइट होगा, अगर इक्विवेलेंस क्लासेस इनफाइनाइट है तो रैंक भी इनफाइनाइट होगा, और इक्विवेलेंस क्लासेस रिपीटेड है तो वो काउंट नहीं होंगे, वो सिंगलटन ही काउंट होंगे। अगर डिस्टिंक है तो वो सभी डिस्टिंक्स का एक एडिशन नंबर बना के जितना नंबर मिल रहा है वो आपका रैंक हो जाएगा, और वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप सो आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशंस के एग्जांपल्स के अंदर पता चला होगा। बहुत सारे और एग्जांपल्स भी बुक में है, आप देख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।